रसूल साहब डॉक्टर गुरनाम कौर जी सैमीनार शिरकत कर रहे विद्वान भैनों भराओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी का फतेह। मेरे सामने जो टॉपिक अलॉट किया गया वह सी कि अजोकी लोकतंत्री प्रणाली के प्रसंग में पांच प्यारियों का कॉन्सेप्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव बिलो एडवांस। सो मैं इतों पेपर शुरू करने की कोशिश की है केंद्रीय दलील जो पेपर की वो है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की ताकत की है वो बनकर के होनी चाहिए है वो इस गल से निर्भर करती है कि उस इंस्टीट्यूशन ने संस्था ने रोल की अदा करना। कंसेप्चुअली रोल इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कि पांच प्यारियों तो असी किस किस्म के रोल की तवक्को कर जिहोजा कार्ज सिख सोसाइटी आस करती है पांच प्यारियों तो वो तरातर होएगा तो वो निश्चित करेगा कि पांच प्यारे कौन होण उन्हां दी चोण किवें होवे और उन्हां दी शक्ति की होवे। सो मेरी मुढ़ली दलील का आधार ये है कि असीं पांच प्यारियां तों किस रोल की तवक्को कर रहे। मेरा यकीन यह है कि कोई भी समाज भावें होवे उहदे विच कोई ना कोई केंद्र बिंदु होना लाज़म है, कोई ना कोई केंद्रीय संस्था का होना लाजम है, सेंट्रल अथॉरिटी का होना लाजम है। जे ये नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारिया आ जाए किसी भी समाज किसी भी संस्था। टू मस्ट हैव ए फाइनल अथॉरिटी अंतम जिहड़ा अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन कर सके। तो मैं समझदा कि एक रोल तो यह आस की जाती है पांच प्यारियों तो कि वो पंथक मसलों बारे लास्ट अथॉरिटी हो, अल्टीमेट रादर आई शुड से सर्वोच्च वो अथॉरिटी हो, क्योंकि पांचों में परमेश्वर की गल जो पहला धनवा साहब कह चुके हैं बाकी सारे विद्वान कह चुके हैं कि किस तरह पांच प्यारियों की प्रथा जी प्यारियों की प्रथा है ये विकसित हुई है। मैं वो नहीं जाता पांच प्यारियों वालों दी गई व्याख्या वो अंतिम मन ली जाती है साड़ी प्रथा ये है। मेरा ये यकीन नहीं कि वो तो किंतु परंतु नहीं हो सकता डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो सकता इतिहास के किंतु परंतु हुए हो बाद भी होते रहेंगे। बट इन प्रिंसीपल आई वुड से सिद्धांतक तौर पर उसनों अंतिम ही मनना पड़ी लोड़ होती है इस समाज में लोड़ होती। दूसरी चीज़ ये कि पांच प्यारियों तो जो मैं कहना भी किस किस्म के रोल की तवक्को की जाती है मेरी समझ से वो दो तरह के रोल ने जिहड़े असी आस कर रहे। पहला रोल तो यह है जिस तरह मैं पहला हुणे अर्ज की है कि कौमी मसले जदों आउण सामने उन्हां बारे अंतम गंध कहण वाली कोई ना कोई संस्था हो। तो दूसरी गल ये कि जदों संकटकाली अवस्थावां आउंदियां ने कौमां ते उदों मनुख किस वल नूं झाकण आस किस ते रखण। इहो जिहियां अवस्थावां आउंदियां ने जदों साडियां स्थापित प्रमाणिक राजनीतिक संस्थावां ओ कौमी लोड़ां दा जवाब नहीं दिंदियां
भावे सियासी लीडर होन भावे समाजिक लीडर होन एक एहो जी स्थिति आउंदी है जिसनू मैं कहना भी क्राइसिस सिचुएशन आउंदी है। उस सिचुएशन दे विच कौम आस करती है कि पंज प्यारे साडा निस्तारा कर सानू इस बिखड़े हालात चो कढ़न। मैं समझदा कि ये दो बहुत महान कारज हैं जेडे कौम तवक्को करती है पंज प्यारियां तों, और इस करके मैं समझदा कि यही केंद्रीय गल है, यही तवक्को करन वाली पंज प्यारियां दी इंस्टीट्यूशन तों है। और एक तो ही अगे मैं समझदा कि लॉजिकल इनफरेंसिस ड्रा कीतियां जा सकदियां ने कि पंज प्यारियां दी संस्था किवें समझा जाए, उन्हां दा अधिकार खेतर किवें निश्चित किया जाए, उन्हां दी जिम्मेवारी किवें निश्चित की जाए, उन्हां दी नियुक्ति किस तरह की जाए, ये प्रश्न ये अगे आने वे दिनों बारे मैं जिक्र करने की कोशिश करता। पर केंद्रीय जी मेरी मुख्य दलील है वो मैं पहला दस चुका। दूसरी है कि मैं समझना कि तीन पोजिशनज आम तौर पर जो पंज प्यारियां दी संस्था बारे बनदियां, वो एक तो मैं समझना कि ब्रॉडली मैं कहना चाहिए कि मार्क्सिस्ट पोजिशन है। वो ये है कि भी कोई भी इंस्टीट्यूशन जोड़ा है वो किसी खास समय की उपज होता, किसी खास समय स्थान की हालात की उपज होता है, तो जो समय स्थान हालात बदल जाते हैं वो इंस्टीट्यूशन विदोड़ नहीं रही, वो समय वे आ चुकी होती है फिर उस इंस्टीट्यूशन वालों आप झाक ला रहे चाहिए। एक तो पोजिशन ये बन गई जिसे मैं ब्रॉडली मार्क्सिस्ट पोजिशन के तौर पर कह रहा। दूसरी पोजिशन ये बन रही है जी कि यह सिर्फ एवं नेम से है नाम तरीक संस्था हैगी है, तो यू जदों जी करता उजागर करके सियासी घरेबंदियां पालन वास्ते यदि वर्तों कर, अदरवाइज यदि कोई रैलेवेंस नहीं। जदों लोड़ पई उदों पंज प्यारां दी संस्था नूं सियासी घरेबंदी लई वरत लिया, नहीं तो ठीक है उहदे वल कोई ध्यान दिता। दूसरी पोजिशन यह बनती है। तीसरी पोजिशन जो मैं लई है इहदे विच वो ये है कि अजिहियां होर संस्थावां जिहड़ियां उस समूहक सिख चेतना का अटुट अंग है, जिसमें मैं कहना कि कलैक्टिव माइंड जोड़ा ना सोसायटी का, सिख सोसायटी का सिख मानसिकता, ये संस्थावां उहदा अटुट अंग हो चुकी हैं। मैं इस करके इन्हां नूं रिडंडेंट नहीं मानता, इन्हां नूं इररेलीवेंट नहीं मानता, तो ना ही मानता कि समां वे आ चुकियां ने, जिहड़ी पहली पोजिशन है उहनूं कुर्बान नहीं कर। दूसरी पोजिशन कि सिर्फ नेम सेक ने ते इन्हां दी सियासी कारजां वास्ते दुरवरतों की जाती है धरेबंदी लई, ये काफ़ी हद तक ठीक है कि पंज प्यारियां दी संस्था नूं काफ़ी हद तक सियासी मतलब वास्ते वापया गया। कुछ लोग कहेंगे दुरवरतों की गई है, काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकता है, पर इस गल के ठीक होने के बावजूद मैं समझदा कि ये संस्थावां जिहदे विच पंज प्यारियां दी संस्था एक बहुत वड्डी संस्था है, ये सिख मानसिकता का अटुट अंग है, सिख मानसिकता इहदे नाल जुड़ी हुई है। और दूसरी जिस तरह मैं पहला अर्ज कर चुके हैं कि ये संस्था बहुत लाहेवंदे कार्य करन वास्ते लोड़ींदी है, अज दे युग विच ये लोड़ींदी है, और क्यों लोड़ींदी है मैं उहदा पहला अर्ज कर चुके हैं कि एक तो संकट का भी अवस्था के लिए इन्हें करनी होती है, और दूसरा कि सेंट्रल अथॉरिटी की अल्टीमेट अथॉरिटी की लोड़ होती है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी जिहड़ी है मैं मेरा यकीन यह है कि सियासतदान अल्टीमेट अथॉरिटी हो नहीं सकता। हुण दी स्थिति जिस तरह मेरे वीर छोटे भाई अमरजीत ने गल की थी गरियाल ने कि प्रश्न उठाया सी ते फिर आप ही इन्होंने जवाब दिता सीगा, मैं इन्हां नाल सहमत हाँ कि की असी बादल साहब जां हुण दी स्थिति विच कौड़ा साहब नूं अंतम अथॉरिटी के तौर पर सेंट्रल केंद्रीय अथॉरिटी के तौर पर प्रवान करके मान लीए, तो इन्होंने फिर आप ही जवाब दिता सी कि यह गल
ठीक नहीं रहे। सियासी लीडर दिया जो समस्यावान ने बहुत तरह दी उसकी चोण बहुत तरह की है, उसकी कंपल्शन बहुत तरह दी ने, कौमी लोड़ा और सियासतदान की लोड़ा में बहुत बड़ा फर्क है। जो कौमी लोड़ा हैं जरूरी नहीं कि वह सियासतदान दी भी उही लोड़ा हो। सो इस करके सियासतदान मैं समझना कि इस चीज किसी का प्रधान भी सियासतदान है, इज नॉट अ रिलीजियस लीडर, ही इज अ पॉलिटिशियन। किसी शख्सियत बारे मेरा कोई ये नहीं कि मैं कोई सत्कार चो घाटा पाना चाहना, वो असलियत है। सियासी शख्सियत समस्याव भोकर कौमी लोड़ा भोकर और यह कहा गया है कि कौमी लोड़ा की होंदिया ने उन्होंने सियासतदान ही आर्टिकुलेट करता है, किस तो वक्रिया किस तरह कीतिया जा समस्या है जिद बारे आप गलबात करने की कोशिश करा। पर सिद्धांतक तौर पर यह गल मान लेनी चाहिए है कि सियासतदानों की लोड़ों के कौमी लोड़ों फर्क। सो यह गल करद हो संस्थाव की जी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। कौम ने जिस तरह मैं कहा कि पांच प्यार द्वारा दिए गए फैसलों ने काफी तौर पर प्रवान किया, उन्होंने कौमी मनिया, बाद भावे किंतु परंतु हुए, पर यह गल नमाया रूप में प्रवान हो। अजोके जे सियासी खेत्र चो गल करनी हो साडे सामने है, होंदा इतिहास भी साडे सामने है कि एक मैं इतने गल स्पष्ट करनी चाह कि पांच प्यारियां ते पांच सिंघां नूं पांच सिंह साहबान जो मैं अस्यूम कर रहा इस वे ये मान रहे हैं कि इन्हों एको मानना चाहिए। ये गल मैं धारना मेरी मनौत है और उसकी मैं मेरे मन च समझ की आई है और मेरे मन की जस्टिफिकेशन की बनती है वो बारे भी मैं अपनी गल करना चाहता। वो है कि पांच साहबान जिन्होंने असं कहने जहां पांच प्यारे कहा इतने कि उन्होंने द्वारा किया गया निर्णय कौम आम तौर पर प्रवान कर रही, कौम आम तौर पर प्रवान कर रही किंतु परंतु की संभावना पर आम तौर पर प्रवान करना और ये साढ़े को बहुत उदाहरण है। सियासतदान चाहे उन्होंने फैसले नाल सहमत ना हो गए पर ज्यादा तौर पर वो सिर झुका क्योंकि उन्होंने पता कि यह इन सिर झुका मेरी सियासी लोड़ है, भावों ना ही सहमत हो गया पर उसमें यह गल मननी पैनी। सियासी खेत्र साढ़े दो पॉइंट बनते हैं कि पांच सिंह साहबान सियासी खेत्र में दखल नहीं देना चाहिए, धर्म से राजनीति जी है इन रलगढ़ नहीं करना चाहिए, ये एक विचारधारा एक पक्ष है। पर मेरा यकीन यह बनया होया कि यह गल ना यह गल मन लीए जे तो सिद्धांतक तौर पर भी यह ठीक नहीं होनी तो व्यवहारिक तौर पर भी ठीक नहीं। मैं पता है कि धनोआ साहब इस गल से मैं प्रश्न कर मैं बड़ी खुशी हो, मैं जान बुझ के तरह नमाया रूप से पोजिशन लै रहा, दसान साहब को भी सामने बैठ के मैं समझना कि पोजिशन में लै रहा। आई एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज स्कॉलर्स के मैं समझता कि ना तो यह व्यवहारिक तौर पर गल ठीक रही ना ही सिद्धांतक तौर पर, पर एक व्याख्या वजों मैं गल जरूर कहना चाहना कि जो मैं कहना कि धर्म से राजनीति सिख सिद्धांत मुताब इकट्ठे चल रहे तो मेरा यह नहीं मतलब कि रोजमर्रा की जी राजनीति है वो पांच सिंह साहबान तक अंदाजी कर दो कि जिले का प्रधान कौन होएगा, मंत्री कौन होएगा, यह प्रधान कौन इन्हों के कोई मतलब नहीं। जो मैं कहना भी धर्म से राजनीति का समेल किया गया तो मेरी समझ मुताबिक वो है
कि राजनीति के जदों पंथक निशानियां तो राजनीति उखड़े तो उत्थे पंज सिंह साहिबान तो बिना होर कोई संस्था नहीं जिस तों आस रखी जा सके कि वो इंटरव्यू करके कोई दिशा निर्धारित करन दिशा देन। होर कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं। मेरा मानना यह है कि कौमी मानसिकता कॉन्शियस कीपर जिसमें लगे कौम की आत्मा दे रखवा दे कॉन्शियस कीपर वो पंज सिंह साहिबान तो बिना होर कोई हो ही नहीं सकता। साढ़े को इस वेले कोई होर इंस्टीट्यूशन नहीं। इंस्टीट्यूशन के तौर पर मैं कह रहा मनुख हो सकता जो बड़ा सत्कार हो सकता तो सैक्शनल तौर पर हो सकता पर इंस्टीट्यूशन तौर पर साढ़े को जो इतिहासक तौर पर जो इंस्टीट्यूशन उपलब्ध है वो मुताबिक होर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जो कि बिखड़े समय कौम के व्डे मसलों में दिशा निर्धारित कर सकन इन्हों तो बिना होर नहीं हैं। मैं इस सेंस में कह रहा कि राजनीति ते धर्म की नेड़ता का कारज जो निभाना है पंच सिंह साहिबान निभा संकटकाली स्थितियों में और वड्डे कौमी मसलों बारे रोजमर्रा की सियासी मसलों बारे मैं समझदा कि जे वो सियासी कार्य सिंह साहिबान करते हैं तो मैं समझदा कि वो अपनी पदवी की दुर्वरतों का जे रोजमर्रा की सियासत में आते इस रोल यह सिंह साहिबान का रोल नहीं है ना कौम यह तवक्को करती है ना उन्होंने कोई यह मैंडेट है वो मैंडेट रोजमर्रा की सियासत का बोला को पर इसका यह नहीं मतलब कि सिर्फ रोजमर्रा की ही सियासत होंगी है तो वही कोई सियासत ही नहीं होंगी या वे कौमी मसले नहीं होंगे या कोई संकट ही नहीं आते। मेरी अर्ज यह है गुजारिश कि ये है स्थितियां दिस इज द स्पेस यू नो दिस इज द स्पेस जिद सिंह साहबान ने अपना रोल अदा। दूसरा जो मैं कह रहा सी कि पंज सिंह साहबान पंज सिंह साहबान ही मैं पांच प्यारियों के रूप से क्यों अस्यूम कर यह बहुत मुझला प्रश्न है। जिस तरह अमरजीत कह रहे थे तो मैं समझा कि सवाल मेरे भी नहीं अमरजीत के बाकी साढ़े सारे इन सवालों का हल लभना पैना सर कि पंज सिंह साहबान की जिस ढंग नियुक्ति हो रही है कि वो किंतु मुक्त है। मैं मेरे वे भाई सहमत धनबाद साहब कि वह किंतु मुक्त नहीं है इस तरह का आइडिया पर जिन्ना चर कोई इसका बदल तुम लभ नहीं लेंगे जिसनों तुम आदर्शक मानो जिसन ठीक मानो जिसे बारे कि कौमी एक आम सहमति हो जाए उन्होंने चर होर की करो चेर तो उस संस्था में जदों जिसनों कौम बाई एंड लार्ज जन साधारण सिख मैं कहना पढ़े लिखे सिख की मेरी किंतु हो सकती है मैं कह सकता कि यह भी हो गया कि यह जनता की कर रहे हैं ये तो गल ठीक नहीं हुई। मैं समझना हो सकते पर बाई एंड लार्ज जिसनों असं कहने आम जन साधारण उसनों अजे तक तो यही मानसिकता हैगी है कि उन्होंने सिर चुका जिन्हें चर इसका कोई बदल नहीं लभ्या जा सकता उन्होंने चर तो यही मानना पैना कि पंज प्यारियां की संस्था जिसनों असं कहने कि वह अजोका रूप वह पंज सिंह साहबान के रूप में भी वह प्रगटावा हो रहा है। मैं इस गल तो बहुत चेताना है कि यह जो हूँ रूप है यह हमेशा वास्ते रूप नहीं सी। संस्था हमेशा इस रूप से नहीं जिस तरह मैं हम पेश कर रही अर्ज कर रहा कोशिश कर रहा गुरु साहबान वेले इस तरह नहीं सी। गुरु साहबान वेले इस तरह नहीं सी। मिसलों वेले इस तरह नहीं सी।
पर इसका यह नहीं मतलब कि गुरु साहबान वेले इस तरह नहीं सी, मिसलां वेले नहीं सी, जे हुण दे रूप विच सिख समाज ने इसनूं एदां प्रवान कर लिया होया कि इहदा बदल अजे साडे कोल कोई नहीं बन सकिया, ते इसनूं ढाउणा अजे मैं समझदा कि इह वाजिब नहीं। मेरी मुख दलील है कि गुरु साहबान वेले मैनूं पता है कि सिर देण वाले बणे, उस तो बाद मिसलां वेले वो वख-वख पड़ावां ते होर तरह की वो बनती है। जे धनवा साहब ना अपने सारे विद्वान जानते हैं कि इस तरह की रूपरेखा नहीं, ये तो बड़ी लेट स्टेज पर जाकर जिसनों असीं पंज सिंह साहबान कहना शुरू किया, पंज जथेदार साहबान। और सानू मैनूं यह भी पता है कि पंज जथेदार जो तुसीं कहिंदे हो उन्हां विच दो जथेदार तख्तां ते है ही नहीं, जे विच असीं लैंदे हां जदों असीं फैसले लैंदे हां ना जी, असीं वो पंजाब मुखी होके लै लैंदे, मतलब वो पंजाब मुखी होके लै लो, उत्थे नहीं हैगे पटना साहब दे ते हजूर साहब दे दर नहीं आउंदे। ये खामियां हन सारियां, इन्हां दे प्रश्न हो सकदे, पर मैं बार बार उही गल जिहड़ी कह रहा हां कि साडे कोल जो है इह तों बैटर जदों आल्टरनेटिव साडे कोल बण के सामने आ जाएगा उदों आपां गल करना। ਇਹ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ कि सुप्रीमेसी सावरिंटी गुरु महाराज ने पंथ खालसे नूं दित्ती, किसी एक व्यक्ति च नहीं। यह गैर सिख सिद्धांत है, वो जहेदार अकाल तख्त साहबा ये साहब ये कह देण कि यह हुक्मनामा एक बंदा कोई प्रवान नहीं करन वाला, मैं तुहानूं दस रहा यह सिख सिद्धांत दे अनुकूल नहीं गा। वो पंज प्यारां दी ही संस्था, यही गुरु महाराज ने दसी हुई है, एक नहीं पांच। और पांच भी इस करके कि बाई एंड लार्ज पंथ ने उन्होंने प्रवान कर लिया, बाई एंड लार्ज। तो इस करके मैं मुख मेरी दलील ये सी कि बाकी है कि ये मोटे कुछ पॉइंट्स भी मैं रेज किए हैं। मैं समझता कि बाकी डिस्कशन तो बाद फिर कोई मसले थॉट प्रोवोकिंग पेपर रिलेटेड जो सवाल जो इस गल के बीच तो कोई शक नहीं, इन्होंने बहुत बढ़िया गल कही है कि जो पंच प्यारों का रोल है वो रोजमर्रा की जो राजनीति है उस तो बिजॉन्ड कौमी मसलों बारे विचार या फैसले करने जुड़िया है। पर यह साथी एक खास किस्म की राजनीति कह रही है कि असं जो रोजमर्रा के एक्टिविटीज ने फैसले ने उन्होंने कौमी फैसलों नाल किवें निपटिया गया। साड़ी जी टोटल एक्टिविटी है वह जरा 90% या मैं कहना 95% जो हिस्सा वो रोजमर्रा दिया माइक्रो पॉलिटिक्स के नाम जुड़ा हुआ मसला। जो मैं ये कह कि रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत बड़े समुद्र के जोड़े कौमी मसले ने ये छोटे छोटे जजीर निकल तो सानू जी रोजमर्रा की पॉलिटिक्स का जो मैं माइक्रो कॉन्टेक्स कहाँगा वो महत्व में समझने की लड़ है। तो पंज प्यारों का जोड़ा रोल है तो दूसरे जोड़े पोलिटिकल नेता ने उन्होंने रोल है, इस तरह माइक्रो तो मैक्रो पॉलिटिक्स के नखेड़न की थान जो अभी कोई होर ये मैकेनिजम कर सकिए तो मैं लगता वो ज्यादा ठीक है। तो दूसरे के नाल जुड़ा हुआ सवाल यह है कि कौमी मसलों के संबंध में भी
पिछले समय के जिमें डॉक्टर ने गल की है कि जो मौजूदा ये कोई शक नहीं कि जो इंस्टीट्यूशन बहुत रेलीवेंट इंस्टीट्यूशन है ये यदि समर्था दी संभावना तो किसी तरह भी इनकार नहीं किया जाता। पर सवाल यह कि पिछले समय के दौरान जो अभी बहुत बड़े कौमी मसलों के पिछले लंघ रहे थे कि यह संस्था उस तरह का रोल निभा सके जिसकी इस तुम तवक्को रखते जे नहीं तो जिमें उन्होंने कहा कि असी नियुक्ति का बदल नहीं लग सके तो सानू बदल लपन यतनशील होना चाहिए। तो मैं तो प्रधान जी को यह गल कहांगा कि यह नहीं कि असं कोई लग लेंगे तो घट्टो घट यहोजी कोई एक्टिविटी यहोजी कोई एफर्ट जरूर होनी चाहिए आ जिदे राही वक्ो वक्रे जे सिख समाज के हिस्से ने वो अपने एफर्ट्स इस दिशा कर अगर कोई इस किस्म की कमेटी की स्थापना की जा सके जी कि इस बदल में सुजग कर सके श्री अकाल तख्त साहब कोई बदल का कोई मॉडल पेश कर सके यहोजी कोई स्थापना कर लेनी चाहिए। दूसरी गल जी कर रहे थी उसकी पांच प्यारे ही पांच सिंह साहबान ने इसे बारे में एक गल तुम चाहूंगा कि यह दो किस्म के जी अभी पंच तत्व बनाए हुए ये शायद मैं इस तरह लगता कि यह पंथ की जी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यू नहीं पसंद कर जोड़े साढ़िया इस वे श्रोमणी संस्थाव ने वो पंथ की जी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है वह पसंद करनी जितों तक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है पंथ जी का वो इन्हों पांच तत्तों राही प्रॉपर्टी नहीं हो रही जोड़े तख्तों को असं डिसीजन मेकिंग इनवॉल्व करते हैं वो लगभग एक थान पर यदि जे कोई की कोई यहोजी गल होती जे पंथ को यह हक है कि वह सिख सिद्धांत के गुरु ग्रंथ साहब की रोशनी के रेंदे हुए समुचे विश्व के फैले हुए पंथ की नुमाइंदगी करने वाले नवे तत्तों की स्थापना नहीं कर सकते। दूसरी गल है कि जिहड़ियां संस्थावां ने साडे कोल प्रमुख संस्थावां ने जो उन्होंने गिणीए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है श्रोमणी अकाली दल है पार्लीमेंट्री बोर्ड है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है इस तरह के पांच संस्थावां ने कि इन्हों के मुखियों ने पांच प्यारों के रूप में देख के जी अंक की डिसीजन मेकिंग ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं बनाया जा सकता। असं जे पांच प्यारे ने पांच प्यार तत्तों तक सीमित करने की थान अगर पांच प्यार एक विशाल संदर्भ के देखिए इन्हों जियोग्राफिकल एंगल को भी देखिए इन्हों फंक्शनल पक्ष को भी देखिए तो मैं लगता कि असं इस संस्था को ज्यादा उपयोगी बना सकते। फिर एक गल आई सियासी शख्सियतों की कौमी शख्सियत कि जो जथेदार ने वो कौमी शख्सियत से जो श्रोमणी अकाली दल मुख्यमंत्री श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये ने जोड़े ये सियासी शख्सियत तो असं पंथक शख्सियतों चुन का जोड़ा अधिकार आ वो सियासी शख्सियतों ने दिता है। मैं चुन की गल नहीं कर मैं कहना उन्होंने अपॉइंट करने की अथॉरिटी दी हो यह अथॉरिटी अल्टीमेटली जाके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान की निजी चोन के उत्ते आ सकती है कि असं इन जो सारिया संस्थावान ने जिन्होंने डॉक्टर ने कहा कि सारे का पैरलर से पलूरम महत्व आ इन्हों की चोन के भी पैरलर से पलूरम ढंग तरीके रख सकता है। प्रश्न का मैं जो मेरी समझ आई मैं गल कर रहा हूं तो पहला एक व्यक्ति कर्नल हरजीत सिंह हुई
उन्होंने सवाल लिखे कि कितने के दर्शन तो दौ भाई खड़े हो करना साहब। हाँ धन्यवाद संतान भले पाने चाहिए क्या कि तुम कितने ना रहेगा। सो कर्नल साहब ने प्रश्न लिख के भेजा सी कि खालसा गुरां की प्रगट साकार दे है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अकाली बाणी के पठन की शैली के मार्गदर्शन बारे सीध लैने गुरु खालसा को ही जाना पाएगा। ये गुरु खालसा जी पांच प्यारों मनिया जाता तो समुचा तो सुचा फैसला लैने गुरु खालसा दर्शन किमें हो बाणी के सुचे पाठ करनी पांच प्यारे पूरी तरह सहमत हैं जे सहमत हैं तो बाणी का पाठ एक तरीके का क्यों नहीं इन्होंने कि पाठ किस तरह सुचा हो बाणी के अर्थ एक हो योजे प्रश्न किए हैं। तो मैं समझा कि ये थोड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ने मैं लगता कि ये वे सवालों का उत्तर देते वे महापुरुष नहीं कहो मैं तो कि माड़ा जहाँ किसी वे सोच साहब वर्गे मैं तो सोच साहब के जवाब देने बजुर्ग आपने वर्ग। सो अमरजीत ने जो प्रश्न किए मैं समझा कि उसमें बड़े रेलिवेंट है मौजूद है सोच साहब कह रहे हैं अब कुछ बन जाए मैं लगता है भी ये वर्ग बजुर्ग ने सू गाइड कर रहे हैं सब डेफिनेटली बना। सो गल है कि जो इन कुछ तो टिप्पणियां तो मैं समझा कि टिप्पणियां वाजिब ने मैंने उन्होंने कोई फर्दर टिप्पणी करनी होगी ना ही मैं लगता जवाब देने की लड़ है। इन्हों का मुख्य प्रश्न जरा यह है कि जब अभी पांच प्यारों पांच सिंह साहबान के रूप में देखते हैं तो यह जियोग्राफिक सी रिप्रजेंटेशन जो उस समय की पांच वक् वक् स्थानों की हूँ क्योंकि पंथ इधर भी ज्यादा खिंड खुड़िया होया है डैसपोर है तो भी होर तक नहीं सदे जा सकता। मैं समझता कि कुछ संस्थाव अजिंह होंदिया ने जिन्हों उस रूप ही लो जिस रूप से गुरु साहबान ने सिरजिया तो उन्होंने शान उन्हों की महत्ता उन्होंने मानन योग्यता वो वधेरे कहते मतलब इन संस्थाव की मानन योग्यता का आधार ही है क्योंकि गुरु साहबान ने इन्हों को पवित्र किया गुरु साहब इन थावान से जो सू पता है कि पांच तख्त जोड़े बने पहला तख्त छवें पातशाह जी भी चरण छो ना उन्होंने जो कहते बाकी चार दसवें पातशाह जी सो वो है जोड़े उदों गुरु साहबान ने सिरजे जितों उन्होंने गतिविधि होती है वो होर भी हो सकती पर मैं समझा जो गुरु साहबान द्वारा जोड़े बनाए हुए है जी स्थान है ना मतलब जी खालसा पंथ के मन जी चीज गुरु साहब ने की है जी वो अत सत्कार योग और मैं समझा कि वही अत सत्कार सत्कार योग पंथ द्वारा की हुई गल जी है ना जन साधारण ने उन्नी महत्ता नहीं देनी मैनू नहीं मिला। दूसरी गल यह है कि जिस तरह इन्हें कहा कि सियासी शख्सियत है जे पांच सिंह साहबान जेडे कि एस जी पी सी का प्रधान जिसमें मैं कहना कि वह सियासी शख्सियत है तो वह नियुक्त कर देगा सिंह साहबान मैं समझा कि फैक्ट तो यही है भी वह नियुक्त करता है पर एक ना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होंगे डेमोक्रेटिक बाडीज का डेमोक्रेटिक बाडीज का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग उन्होंने इलैक्ट करने का भी एक तरीका होगा। एस जी पी सी के चुने हुए एस जी पी सी के मैंबर ये तो भी पता अमरजीत जी तो बाकी इतने बैठे भी पता कि उन्होंने सारे की भला पंथिक सोच है कि नहीं है ये बारे एटलीस्ट मेरे मन प्रश्न चिन्ह एटलीस्ट मेरे मन जरूर प्रश्न चिन्ह जिस ढंग होना स्वीकार सियासत भारू है वोट की सियासत मैं पता कि मैं ये धनोआ साहब और मैं एग्री करना कि लीस्ट डिफेक्टिव सिस्टम ये परफेक्ट नहीं गा लीस्ट डिफेक्टिव सिस्टम पर मैं समझदा कि कौमों दथावान जोड़िया होंगे ना वो उन्होंने अपनी महत्ता होगी ये कौम की महत्ता का जो मैं कहना पैरमल ड्रा करता हूं कि देश का राष्ट्रपति इनडायरैक्ट ढंग चुनिया जाता सुप्रीम कोर्ट के जजा की नियुक्ति तुम्हें पता है कि सरकार कर रही तो उन्होंने की हाल कर सकती सुप्रीम कोर्ट तुम्हें पता है यह जरूरी नहीं कि नियुक्ति का यह ढंग हो जाए कि वो फंक्शनिंग इस ढंग हो जाएगी। ये असल च होता यह है
कि उन्हां दी नियुक्ति करन वेले किस किस्म दी मनशा नाल लीडरशिप कर रही है। जे ते सियासी मत नूं वाकई कर रही तो फिर वह सानूं पता भी उहदे नाल की हशर निकल रहा ते जे किते पंथक जिहड़ी हैगी है जे मैं समझदा कि आस ही कीती जा सकदी हुंदी है ना मतलब यू जस्ट एक्सपैक्ट क्योंकि एक मैं समझदा दूसरा यह है कि अल्टीमेट जिहड़ी गल है ना जी किसी भी कौम दे विच ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਰ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਉਪਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੇਰ ਆਰ ਕੁਆਈਟ ਇਨ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਦੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਰੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੱਲ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ ਜਲੂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਛਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗ ਉਹ ਹਨ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ
जिन्हों अकाली दल के प्रधान तो शायद हराना मुश्किल है। अज टौड़ा साहब थोड़ा जा अलग करो तो सारे जिन्हें इस वे स्थापित बंदे ने सियासत दे विच किसे नूं कल एस जी वी का प्रधान लिया हो तो जिनी अकाली दल के प्रधान को इस वे ताकत है मैं कहना मिनटा सकिंटा के जदों मर्जी ला लो तो जदों मर्जी बना लो जी इन्नी ताकत है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान को ते वो ताकत कोई व्यक्ति वरत सके ना वरत सके वक्री गल है पर ताकत व्यापक है। अब टौड़ा साहब अकाली दल का प्रधान बना दे लो सारिया की जिनी मर्जी जिनी मर्जी मोड़ा जिथे मर्जी चुका के रखा लो जिथे मर्जी रखा जाए सो जी संस्था के ताकत है वह देखी जानी चाहिए है ना कि देखी जानी चाहिए है भी कि व्यक्ति वरत सकता या कि व्यक्ति नहीं वरत सकता। जी एस जी पी सी तो जिस ढंग जथेदार स्थापित होंगे ने असी हूँ तक देखा भी जो एक जथेदार स्थापित होया तो हूँ तक की आवाज़ व्यापक आवाज़ यह रही है कि अकाल तख्त का जथेदार सरबोच कंधा अकाल तख्त का जथेदार सरबोच अकाल तख्त के जथेदार ने जोड़ा कि एक्टिंग जथेदार से उन्होंने भी थां थां दे के अकाल तख्त का जथेदार सरबोच तो कल मैं पता लगे भी इतने उन्होंने प्रेजेंस से यह होया कि पांच प्यारे सरबोच ने तो बोले नहीं क्योंकि इस वे अकाल तख्त के जथेदार ने। सो जे संस्थावां इस हिसाब नाल चलनिया ने कि जे कोई संस्था के उत्ते बैठा तो सिख सिद्धांत होर ने जे कोई संस्था उत्ते नहीं बैठा तो सिख सिद्धांत होर ने। जे इस हिसाब नाल होना कि इस वेले दा अकाल तख्त का जथेदार सानू बहुता पुगदा नहीं तो इस करके पंज प्यारे च सारी सरबुचता दे दिओ तो जे पुगदा तो फिर अकाल तख्त के जथेदार सरबुचता दे दिओ क्योंकि इतिहास के दोनों गल्लां स्थापित ने सरबुचता असी अकाल तख्त के जथेदार नूं दित्ती भी रखी है और कामन मैन जिहड़ा बाई एंड लार्ज सिख का जिहड़ा तुसीं अपना सिद्धांत दिता है वह अकाल तख्त के हुक्मनामें हुण तक मनदा आया चाहे उन्होंने कंसल्ट करके हुक्मनामे दिते चाहे उन्होंने पंज प्यारे नूं बिना कंसल्ट किए हुक्मनामे दिते उन्होंने हुक्मनामे बाई एंड लार्ज सारिया ने मनिया की वह थोड़ी सिद्धांत अनुसार जे बाई एंड लार्ज मनिया तो अकाल तख्त के जथेदार की संस्था सरबुच कह के सेंटर अथॉरिटी उन्होंने दे देनी चाहिए है। जे असी हुण पंज प्यारे का सोचे तो की पंज प्यारे जिवें तुसीं सोचे भी तुसीं अज्यूम करते हो ये पंज तख्तों के ही ने कि कोई माड़ा मोटा उन्होंने इतिहास के गल साडा विश्वास पंथ का जितया भी उन्होंने पंज प्यारियां का स्थान दिता जाए। तीजी गल जी तुसीं अमरजीत के एक सवाल के जवाब से कहा कि पंज तख्त तो बड़े गुरु साहबान तो आए हैं शुरू के एको ही तख्त सीगा अकाल तख्त बाकी डूंगे या बाकी तख्तों ना हौली हौली मिले ने तो बहुत चिर साल साल सारी अरदास चौ तख्तों का ही जिक्र रहा है थोड़े साल हुए ने एस जी पी सी ने एक पंजवां तख्त आपने डिकलेयर किया तो जे एस जी पी सी पंजवां तख्त डिकलेयर कर सकती है तो जिहड़े पवित्र किए हुए स्थान ने गुरु साहबान ने अपने चरणों नाल बहुत ने और पंजाबों बाहर भी बहुत ने हिंदुस्तान भी बहुत ने हिंदुस्तान तो बाहर भी है जिथे जिथे गुरु साहब के चरण पे इतिहासक गुरुद्वारे ने। जे क्राइटेरिया यह है कि इतिहासक स्थान में ही तख्त दिता जा सकता है तो वह भी बहुत ने। जे क्राइटेरिया यह है भी क्योंकि गुरु साहब वेड़े तख्त आए हैं यह भी गल गलत है गुरु साहब तो बाद तख्त सारे आए हैं गुरु साहब ने सिर्फ एको तख्त अकाल तख्त का ही नाम है इतिहास के दूजे हो किसी तख्त को तख्त नहीं कहा जाता यह बहुत देर बाद कि बाकी तख्त कहे गए और फिर तो अरदास चार तख्तों का जिक्र है हूँ पंजवा है। सो इना शब्द बहुत धनवाद दसाइन साहब बहुत मौजू नुकते तुम उठाए हैं इन्होंने जोड़ा कहा ना कि मेरी एक इच्छा यह लगती है कि एंगजाइटी यह लगती है कि इंस्टीट्यूशन बचाया किस तरह जाए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरी एक सिख के नाते इच्छा यह है कि पांच प्यारों के इंस्टीट्यूशन जस्टिफाई किया जाए और यदि रेलेवेंस स्थापित की जाए ये बिल्कुल मेरी एंगजाइटी है तो वो ये निकलिया कि क्योंकि यदा बदल इस वे कोई होर है नहीं तो पंज सिंह साहबान ही ये कार्य कर दे इस करके ही मैं वो आर्गूमेंट के तौर पर लै रहा क्योंकि जिस तरह तुम कह रहे हो मेरा इन्हों बहुता डिफरेंस ओपीनियन है नहीं जो तुम कह रहे हो कोई डिफरेंस ओपीनियन इन्होंने गलों नहीं निकी निकी जो तुम गलत कह रहे हो सिद्धांत रूप से इन्होंने अगर नहीं हो सकता अगला कि तुम दो सवाल बहुत उठाए रहे प्रश्न कि अजोके पंज सिंह साहबान जिस किसी की असं उन्होंने तवक्को करने भला की उस रोल के उपर पूरे उतर रहे। मेरी सबमिशन यही है विद्वान भैन भरावो
कि मैं समझदा कि जे तो तुम एक आदर्शक शख्सियत जिस तरह चाहते हो होन रोल मॉडल हो मैं डर के कहना कि कई बार मैनू भी किंतु परंतु हों प्यार नहीं इतना पर मैं जिस तरह पहला बेनती की असी आदर्शक हो के साडे सामने पैमाना हैगा पर जिहड़ियां गल्लां चल रही है, जिस ढंग नाल चल रही है उहदे विच ते रेलेवेंट होके वेखना जो स्थिति इस वेले है जो ऑब्जेक्टिव रियालिटी है उहदे विच की भला वह कंटेक्सट विच मैं ते गल कर जरूरी नहीं कि जिहड़ी गल तुसीं कहिंदे हो कि आह इदां होना चाहिए इदां नहीं होया उहदे नाल मैं सहमत हो सकदा तुहाडे नाल पर गल यह भी साढ़े को अल्टरनेटिव है नहीं कोई अल्टरनेटिव तुम खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि इदा हो जाए तो अखीरला प्रश्न जोड़ा थोड़ा सी मैं समझदा कि दसाई साहब से बुरा नहीं मना शरारत भर है शरारत ज्यादा करके जवाब नहीं होता प्रश्न मैं ये गल मैं जवाब भी देना चाहता गल यह है कि जब आप सिद्धांत की गल करते हैं सिद्धांत पांच प्यारों में पांच प्रधान जदों कि गल हुई है क्योंकि मैं प्रोफेसर मनजीत सिंह के नेड़े रहा हूँ भी हैगा तो यह यह नहीं मतलब कि मैं हूँ वाले जथेदार साहब का सत्कार नहीं करता तो मैं उन्होंने हूँ भी उन्होंने मानता बिल्कुल ही यह गल मैं जो हूँ वाले जथेदार साहब हैं उन्होंने मेरा सिर मैं चुका क्योंकि सारे जथेदार गल यह है कि उदों भी असं यही गल करते रहे कि सिस्टम पांच प्रधानी है अकाल तख्त तो हुक्मनामा जारी किया जाता पर वो पांच सिंह साहबान ही फैसला करते मेरा अजे तक मेरी जानकारी च नहीं आया कि कल्ले अकाल तख्त के जथेदार ने कोई हुक्मनामा किया एटलीस्ट मेरी नॉलेज में जे कि तुहाडे च है तो मैं चानना पा दिओ कि जदों अकाल तख्त तो हुक्मनामा जारी किया जाता तो पांच सिंह साहबान की राय नाल किया जाता बाकी वो गलत मैनू पता जान दो मैनू भी पता है कि बाकी शरारत इन्नी करनी चाहिए राजीव खालसा जी धनवा साहब मैं बड़ा धनवादी हाँ कुकेर सिंह का कि इन्होंने कंसीड किया भी इंस्टीट्यूशन जी है वो परफेक्ट नहीं है और यही पॉइंट मेन मेरे पेपर का भी सीगा कि इन्होंने जोड़ा मेन पॉइंट सेंट्रल अथॉरिटी वाला है वो मैं सही मानता बिल्कुल मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहता भी ये इन्होंने जो इन्होंने प्रश्न रेज किया भी किया जाए इस जो जो इस वे वर्तमान में यही इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है ये ठीक है जिस तरह भी प्रैक्टिस चल रही है पांच पैरे पांच तख्तों के सिंह साहबान हो गए यदा जो तक कि ये प्रॉपर सिस्टम असं नहीं इवॉल्व कर रहे एक चीज तो मैं ख्याल जल्दी दे के मतलब इमीडिएटली लागू हो सकते हो यह है कि कोई एडवाइजरी पैनल सिलेक्ट कर लें जरा कि एडवाइस करे जो प्रॉब्लम आए एडवाइजरी पैनल पंच वालों कोई लोग ऑफर कर सकते हैं उन्होंने कोई डायरेक्शन देखे जा सकते हैं कि ऑफर उन्होंने की है उन्होंने नॉलेज भी है कि नहीं बाकी नॉमीनेट कर सकते हैं तो वो घट्टो घट जो इन डिसीजन मेकिंग है वो कुछ जी क्रेडिबिलिटी है वह बढ़ जाए ये मेरा सुझाव है दूसरा मैं एक पोलिटिकल साइंस साइंस के है हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर और सारी वो स्कॉलर ने पोलिटिकल साइंस में रिप्रजेंटेशन का प्रॉब्लम सारी जो सॉल्व नहीं हो डेमोक्रेसी है ये रिप्रजेंटेटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिर्फ स्विट्जरलैंड पॉसिबल है थोड़ी बाकी इनडायरेक्ट रिप्रजेंटेशन के थ्रू है रिप्रजेंटेटिव के थ्रू है वो रिप्रजेंटेशन किता हो अजे समस्या वर्ल्ड के स्कॉलर्स तो जो तक मेरी समझ है सॉल्व नहीं हो कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट है कोई प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन है कोई है सिख धर्म का मैं समझता कि कंट्रीब्यूशन होएगा इन्होंने डेमोक्रेटिक थ्योरी क्योंकि आज जो पंच प्यारा का जो असं समझते हैं गुरु साहब के वेले तो चुनाया आ रहा है एलीटिस्ट एलीट जोड़ा है वो है जो कि जिन्हों के पंथ कैपेबल जिन संगत कैपेबल समझती है भी ये साढ़े जो रिप्रजेंट कर सकता साढ़े प्रॉब्लम सॉल्व कर असली जी दुनिया में भी जी खोज है यो है भी किसी तरह अलीट ये जो सोसायटी रिप्रजेंटेशन इलैक्शन का सिस्टम उदा तो बंदे आवे
ਵਧਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਲੀਟ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੀਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਤੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਰਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਸੈਟ ਦੈਨ ਡਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਟਿਸਟ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਐਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੀਟਿਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕੌੜਾ ਸਾਥ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਮਿਚਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਲਾਫ ਆਲੀਗਾਰਕੀ ਆਇਰਨ ਲਾਫ ਆਲੀਗਾਰਕੀ ਕਿ ਇਨ ਐਵਰੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਐਟ ਦਾ ਟੋਪ ਇਜ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਗਿਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਖਾਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਦਵੀਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੌਕੋ ਰੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਸੀ ਨਸਲੀ ਕਰੀਏ ਬੇਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ
जो अभी कहना चाहते हैं, लेकिन जो अभी यह गल करा और उस वेले सानू फैसले करने तो पहला यह जरूर सोच लेना है कि जेडे किरदार की गल, जेडे अमल की गल, जेडी रिस्पोंसिबिलिटी की गल, जेडी राइट्स की गल है, कि वह सिर्फ उचेरिया पदवियों वास्ते है जो साढ़े सारे वास्ते भी है। जो ये गल सू सारे समझ आ गई कि साढ़े सारे ना भी जुड़ी हुई है, उदो शायद सानू यह गल सरबत खालसे तो शायद शुरू करनी पै जाए। उदो हो सकता है कि सानू कोई गुरमत्ता ये नीज दे देवे। ये सारे जड़े ने ना ये रेलेवेंट ने। बाकी रह गई गल जो हुक्मनामा है, सरदार सिंह होरां ने बड़ा जोर दिता इस गल कि हुक्मनामा जड़ा है जो पांच सिंह साहबान ही देंदे रहने भाई। जी हुक्मनामे की ट्रेडिशन है वो तो पांच किधर ने, गुरु साहबान के जमाने को लैके माता सुंदरी जी तक, बंदे बहादुर तक, उसे पंजा का रोल ही नहीं। हुक्मनामा तो एक अथॉरिटी के नाल जुड़िया होया, जरा भी उस वे कोई अथॉरिटी होल्ड कर रहा है, बंदे बहादुर कोई अथॉरिटी से जिन्हें हुक्मनामा दिता उस वे तुम। तो अज हुक्मनामा जड़ा है, हुक्मनामे का संबंध तखत नाल जुड़िया, पंजा नाल नहीं जुड़िया। हुक्मनामे का संबंध असी तखत इस वेले जी भी साड़ी सारी गल जुड़ी है वह हुक्मनामे की गल जाके अकाल तख्त नाल जुड़ी है। ये गल अपने आप के बड़ी खतरनाक साबित हो जाएगी जे असी होर तख्तों की सिरजना वाल तुर पाए। ये गल उदों भी वध गिरावट वाली हो जाएगी जे असी इतिहासक स्थान यह मैं पूछा सी, हम नाम लेना शायद ठीक ना हो, तो पूछा सी महाराज ये तुम जरा साबो की तनोडी तखत अनाउंस किया है यदिया बेसिस की ने। दिल्ली में एक सैमीनार होया से चौथे महापुरख आए सर, मैं उन्होंने पूछा महाराज ये दसो क्यों किया है, कहने लगे बीबी सच्ची गल है कि साथों गलती हुई है। मैं कहा जी ये गल इस करके तो नहीं तुम कह रहे कि भी बंदा छेती ना जान छुड़ा लगे डिस्कशन से ना, कहते नहीं जी ये सच है। मैं बिल्कुल सच कह रहा गुरु महाराज की हजूरी कह रहे हैं, माता सुंदरी जी के गुरुद्वारे की गल है, कहने के साथों गलती हुई है, यह नहीं होनी चाहिए। अच्छा कि सिख धर्म के कोई गलती सुधारन का प्रोविजन है नहीं है ना, जे असी हुंदे वेलिया में की है इंस्टेड कि असी उसनों होर वो थ्रेड इन्ने खिलरते चले जाइए कि साढ़े को समेटे ही ना जा, तो जोड़ा असी एक ही गीता असी उसनों सोच लीए वो बारे सोची। दरअसल इस वे असी उस थान पर पहुँच गए हाँ जिथे जिन्या साड़िया सिख संस्थाव ने इन्हों के उपर बैठ के निठ के विचार करिए, और उस तो बाद अज एक सैमीनार इतने होया है, कल पंजाबी यूनिवर्सिटी हो सकता है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो सकता है, इस सब्जेक्ट नू लेके असीं अगे जाइए। माता सुंदरी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज कोई प्रॉब्लम नहीं, माता सुंदरी कॉलेज कर सकता है, और माता सुंदरी कॉलेज जिन्हें जगह है अपने वालों करता रहता है। तो माता सुंदरी की प्रॉब्लम सिर्फ हैगी कि साड़ी यू जी सी सुस्ती हुई है, सानू देंदी कुछ नहीं, साड़ी पेरेंट बॉडी भी नहीं देंदी, गवर्निंग बॉडी भी नहीं देंदी, इस पिछे असीं जो आप कर सकते हो करते रहने। मैं सिर्फ इन्नी बेनती के नाल आज ही क्योंकि तुम सारे धुरंधर विद्वान बैठे हो, मैनू नहीं पता, पर मैं एक निमाणी बेनती सिर्फ इस करके करनी चाहनी हाँ कि शायद असी कुछ गलत ना कर देंगे, और कई बार साडे मुंह जो लफ्ज़ निकल जाते हैं इन्हों पता नहीं तेरे को शेड्स कहो जी बन जाए ने, और उस शेड्स में असं इन एक्सटेंशिया भी जो गल कर रहे हैं वह भी रूप बदल जाता है। असी यह सारिया गल् एक बहुत ईमानदारी करें, साड़ी अंदरली ईमानदारी के नाल गल जो होगी फिर वह गल सा ठीक रहेगी। धन्यवाद। मैं लगता कि इन्होंने आप ही अपनी गलों के जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ बहुत अच्छा धन्यवाद भैन जी। एक गल जी इन्होंने कही थी, मैंने लगता है कि हुक्मनामा अकाल तख्त तो ही होता है, बिल्कुल ठीक है, पर हुक्मनामा अकाल तख्त स्थान है जारी करन दा, कि सिर्फ अकाल तख्त के जथेदार का ही होता है या पांच सिंह साहबान का। मेरी मेरी समझ से आया कि पांच सिंह साहबान का हुक्मनामा अकाल तख्त के जथेदार साहब उस थान को जारी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता सी। धन्यवाद।